हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इतने दिनों की शॉपिंग के बाद फाइनली आज मेरी पूरी शादी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और आज मैं करने वाली हूँ बैग पैकिंग। मैंने सारा सामान निकाल के रख भी दिया है, आपको मैं आप सब दिखाऊंगी। ये सारा सामान है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एक एक करके कि मैं क्या क्या सामान लेकर के आई हूँ अपनी शादी के लिए और किस सामान को लाने में मुझसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो गलत आ गए हैं लेकिन अब वो चेंज भी नहीं हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैग को, क्योंकि हम कर रहे हैं बैग पैकिंग तो सबसे पहले हम बैग को ही देखते हैं। बैग मेरा सफारी का है, ये ट्रॉली बैग। इस बैग में भी हमको तीन साइज मिलते हैं, एक बिग, स्मॉल और मीडियम। तो ये वाला जो बैग है मेरा बिग साइज का है, एक और लिया हमने मीडियम पर वो अनुराग के लिए लिया है। इसे हम कैंटीन से लेकर आए थे। तो अब मैं इसमें बताती हूँ कि इसमें मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं आई। सबसे पहले हम इसे करेंगे ओपन। तो मेरे बैग में तो ये मिस्टेक हो चुकी है, पर आप लोग ये गलती मत करना। जैसे हमने ये बैग को खोला तो मुझे इसमें जो चीज़ पसंद नहीं आ रही वो ये है। इसमें एक साइड से तो हमको ये चैन वाला ऑप्शन मिला है कि हम पूरा सामान रखेंगे और इसको कवर कर सकते हैं पूरा इससे, लेकिन इस साइड मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला है। और जो हम दूसरा बैग लेके आए हैं उसमें तो है कि उसमें इसके ऊपर से पॉकेट भी बनी हुई है, तीन चार ऐसे ही इधर इस साइड भी है, लेकिन इसमें ये नहीं है। तो इसलिए मुझे ये बैग पसंद नहीं आ रहा है, पर हम इसको चेंज तो कर नहीं सकते हैं इसलिए मैं इसी से काम कर चलाने वाली हूँ। सामान तो इसमें भी आसानी से आ जा रहा है, लेकिन जब हम उसको खोलेंगे तो इस साइड ऐसे कवर करने के ऐसे चैन वाला कवर नहीं है इस साइड, तो वो सारा सामान निकल के बाहर आ जा रहा है अगर हम इसको उल्टे साइड से खोल देते हैं तो। बस यही प्रॉब्लम है। और अगर साथ में एक दो चैन वगैरह होती तो उसमें छोटे मोटे आइटम्स रखने के लिए सही रहता है, इसलिए मुझे वो वाला बैग सही लग रहा था। और अभी मेरी मम्मी आ गई है यहाँ पे बैग में टीका लगाने के लिए। ध्यान रहे यहाँ पे स्वास्तिक। मम्मी ने तो बिल्कुल इतना टीका लगा दिया इसमें जैसे अब मैं सामान कहाँ रखूंगी। लिफाफा, इसमें लिफाफा कितने रुपए है? जितने भी है सब बंद उठा रही है। अब बताती हूँ, मुझे ये बैग ज्यादा ही पसंद नहीं आया। जैसे मुझे कभी लिफाफा मिलेगा, अगर यहाँ पे एक पाउच होता तो मैं आराम से उसमें इसको पकड़ के डाल देती, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। बस यही दिक्कत है इस बैग में, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब आती है बारी कपड़ों की। नहीं, सबसे पहले दिखाती हूँ मेकअप किट। ये तो मैंने आपको उस दिन दिखाए थे। एक ये पाउच है और ये मेकअप वाला बॉक्स है पूरा, तो ये सब मैंने पैक कर दिया है इसमें मेकअप का सारा सामान। अब मैंने सोचा था कि मैं मेकअप वाली वीडियो भी बनाऊंगी कि इसमें क्या क्या रखा है मैंने, लेकिन इतना टाइम हो नहीं पा रहा है। अभी कपड़ों की तो जैसे तैसे बन गई। ये मैंने सारा अरेंज करके रख दिया है। इस वाले में मैंने सिर्फ अपना मेकअप का सामान रखा है जो मेकअप में यूज होता है, और इस वाले में स्किन केयर का है, सीट मास्क, ब्रश, टूथब्रश, कॉलगेट, ये सब कुछ है इसमें, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह इस पाउच में रख लिया है, और मेकअप का सामान इसमें रख लिया है। ये भी अच्छे से फिट नहीं आ रहा था, अभी ये दोनों तो बाहर ही रह गए। अभी दो तीन चीज़ें और जो मैंने कल लेके आई थी वो अभी इनमें पैक नहीं करी है, वो भी करनी पड़ेगी, तो पूरा इसमें आ तो नहीं पाएगा, तो उसके लिए मैं एक बॉक्स और बनाऊंगी अभी। और एक बॉक्स मैंने और बनाया है जो जो चीज़ें मुझे शादी के दिन यूज़ करनी है। वैसे तो लेडीज़ फंक्शन और शादी वाले दिन तो पार्लर वाली ही अपना मेकअप का प्रोडक्ट यूज़ करेगी, लेकिन जैसे हल्दी मेहंदी में हल्का सा टचअप करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने उसमें निकाल के एक बॉक्स में बना ली। और ये है मेरी हैंकी, ये कॉटन वाली है 6, और 6 ये ऐसी वाली है सॉफ्ट वाली जो भी होती है। इसमें से 2 मैंने निकाल के अपने पर्स में डाल दिए पहले। और ये है सॉक्स, ये है मेरे बैंगल्स, बाकी सारे तो यही हैं, पर ये वहाँ ले जाने वाली हैं तो उनको मैंने ऐसे इस बॉक्स में रख दिए हैं जिससे कि टूटे ना, दबके नहीं टूटी हुई है। जिसे बहुत सारे बैंगल्स लेने हैं तो वो लोग तो अपने लिए बैंगल बॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बैंगल बॉक्स नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा चूड़ियाँ चाहिए नहीं।
दो तीन सेट हैं जो मुझे ऐसे ही बॉक्स में मिल गई थी, तो मैंने इन्हीं में रख दिया है। बाकी दो तो यहीं रहेंगी, बस ये वाली मुझे लेके जानी है। मतलब वो भी यहाँ क्या रहेंगी, एक मैं पहन के ही जाऊँगी और एक मैं पहले दिन पहनूंगी तो उसको मैं बाद में लेके चले जाऊँगी। कभी दो तीन मेरी डेली वियर वाली चूड़ियाँ हैं, उनको भी मैं ऐसे ही किसी बॉक्स में रख लूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप बैंगल बॉक्स भी ले सकते हैं, जो पूरा जिसमें बहुत सारे बैंगल्स रखने वाला वो आते हैं वो भी ले सकते हैं। और इसमें दिखाती हूँ क्या है, इसमें है ये मुझे अनुराग ने गिफ्ट किया था जब वो 31st के दिन आए थे अपने यहाँ से कोट वगैरह लेने के लिए। उस दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने बहुत दिनों से छोड़ा हुआ था तो मेरा अचानक से मन नहीं किया, तो उस दिन मुझे ये मिला था। अब मैंने बोला है कि मुझे इसके साथ के ईयरिंग्स भी चाहिए, तो हम वो भी लेंगे। इसको भी मैं ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि ये इनके अंदर तो फिट आ नहीं रहा है, इसको मैं ऐसे ही बैग के अंदर डाल लूँगी। तो अब बारी आती है साड़ियों की। ये सारी साड़ियाँ हैं मेरी और ये सब मैंने परचेज़ किया था दिल्ली से, जहाँ हम लोग दिल्ली शॉपिंग के लिए गए थे। इसमें से एक ये वाली मैंने प्री वेडिंग के टाइम पे ली थी, पर प्री वेडिंग में पहनी नहीं इसको, तो अब ये मैं कभी वैसे पहन लूँगी। तो ये सारी मेरी साड़ियाँ हैं, तो इनको मैंने फोल्ड करके अच्छे से रख दिया है। अभी मैं एक को ही पैक करके दिखाऊंगी। इसमें मैंने क्या किया है, ऐसे साड़ी रखी है, इसी के अंदर से पेटीकोट रख दिया है सेम वाला, और ब्लाउज को भी ऐसे फोल्ड करके रख दिया है। सबको सभी मैं ऐसे ही करके रख दिया है पेयर बना के, जिससे कि मुझे वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, सीधे मैं निकाल के एक बार में एक को ही यूज़ कर पाऊँ। तो अभी मैं एक को करके दिखाऊंगी, दोबारा से फोल्ड करके दिखाऊंगी कि इसे कैसे रखना है। और इनके साथ मेरी जो मिस्टेक हुई है सबसे बड़ी, वो ये है, सारे पेटीकोट लाई थी वो मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में, और वो सारे टेलीकॉट के आ गए हैं। एक तो ग्रीन कलर की साड़ी के लिए तो मेरे पास कॉटन का पेटीकोट है, तो एक वो चल जाएगा। और इस वाली में भी मैं ये वाली रख लूँगी, ये मैं लेके आई हूँ नया कर कॉटन का। मम्मी बोल रही थी कॉटन वाले सही होते हैं, वैसे वाले तो सही होते नहीं है, पर अब उतने सारे दोबारा से मैं खरीद तो सकती हूँ नहीं, इसलिए मैं अभी सिर्फ एक लेके आ गई हूँ जो थोड़े थोड़े मैच कर जाएंगे एक दूसरों के साथ। और एक ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर की तो मेरे पास चार साड़ी हो गई है, 1, 2, 3, 4, तो इन सब में तो वो ग्रीन जैसे तैसे मैच कर जाएगा। इन दोनों में तो पूरा कर रहा है, बाकी इनमें भी कर ही जाएगा। और ये वाला इसमें कर लेगा और इसमें कर लेगा, बस अभी एक ब्लू वाले की दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मतलब मेरे पास वो वाला तो पेटीकोट है ही टेरिकॉट वाले, तो उनको पहनूंगी। ज़्यादा देर तक कौन सा मैं साड़ी पहनने वाली, बस एक एक बार मुझे साड़ियाँ पहननी होगी, तो फिर बाद में जैसा भी होगा तब मैं ले लूँगी। अभी मैं ऐसे ही काम चलाऊँगी। और जो मेन वाली साड़ी है मेरी, उसके लिए मैं ये पेटीकोट लेके आ गई हूँ, वो भी पैक मैं उसके बाद करूँगी, पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सूट है। ये है एक शॉल, ज़्यादा गर्म वाला भी नहीं है, ठीक है वैसे वाला, एक ही स्वेटर है। और इसके अलावा बाकी मेरी सारे सूट हैं। अब सूट में भी मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने रेड कलर की कोई भी सूट खरीदी नहीं, मतलब है मेरे पास एक पिंक कलर की है, वो मैं यहाँ गणेश पूजा में पहनूंगी शायद, अगर नहीं पहनी तो मैं ऐसे ही लेके जाऊँगी। हाँ, तो एक सूट मेरी वो वाली हो गई और बाकी ये सूट है। वैसे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सबके कलर थोड़ी ग्रीन, मेरे उसमें ग्रीन ही ज़्यादा सेट हो गई यार हर चीज़ में, सूट में भी साड़ी में। ये तो मैं अभी ध्यान दे रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, और इसकी भी पजामा ग्रीन ही है, ये सब ग्रीन हो गया मेरे साथ तो। चलो कोई बात नहीं, कपड़े तो अभी बनते रहेंगे, वैसे भी अभी तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, वाह मैं तो उसी इंतजार में हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने साड़ियाँ किस तरीके से पैक करी है। तो है तो मैं इसकी खोलूंगी नहीं, फिर इसको फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसको खोलने वाली नहीं हूँ। तो जैसे इसको तह करते हैं, फोल्ड करना तो सभी को आता ही होगा, तो सबसे पहले इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो इसके साथ वाला पेटीकोट है उसको हम इसके बीच में डाल लेंगे, और फिर मैंने इसे ये साड़ी के पैकेट्स जो होते हैं चैन वाले आजकल मिल जाते हैं, आजकल तो वैसे जितनी भी हम साड़ियाँ लेते हैं उसके साथ हमें यही मिलते हैं, और किसी किसी में अगर नहीं मिलते हैं तो हम इनको अलग से खरीद भी सकते हैं। तो मैंने साड़ी रख ली है, अब इसके साथ में इसका जो ब्लाउज था इसको भी अच्छे से प्रेस करके मैंने इसके अच्छे से तह लगा ली है, और उसके बाद इसे
एक साइड से डाल दिया। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लाउज किस टाइप का है वो भी दिख रहा है और साड़ी कैसी है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मैंने इस वाले में सोचा था कि मैं डबल कलर की लूँगी जिसमें बॉर्डर में अलग कलर होता है और साड़ी अलग कलर की होती है, पर वो मिल नहीं रही थी। इससे हल्के कपड़े में मिल रही थी, वो मैं लेके भी आई हूँ, पर उसको अब मैंने बनाया नहीं है अभी। अगर बाद में कभी मन करेगा तो बना लूँगी, नहीं तो मम्मी अपना यूज़ कर लेगी। अब बारी आती है पर्स की और सेकेंड नंबर वाला है मेरा ब्राइडल सिग्नेचर का। ये दूसरा बैग ये मैंने लेने का बिल्कुल भी सोचा नहीं था, लेकिन कल हम विशाल गए थे तो जैसे कि ये और ये मुझे पसंद आ गए थे कुछ ज़्यादा ही, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, क्योंकि अगर हम कभी घूमने जाएंगे तो वहाँ पर भी ये यूज़ हो जाएगा। बाकी पर्स तो मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कलर देखो भाई सेम हो गए दोनों के। और जो तीसरा पर्स जो वहाँ से लिया है मम्मी ने, मतलब अनुराग की मम्मी ने जो लिया है तीसरा, उसका कलर भी सेम टू सेम ही है शायद, मतलब हल्का सा अलग है, इससे थोड़ा इनसे थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए। अब मैं सोच रही थी कि इसको नहीं लेती हूँ, दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था इसलिए मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। अब आते हैं फुटवेयर कलेक्शन में, और जो ये फर्स्ट वाले दो सैंडल्स हैं ये हैं मेरे ब्राइडल वाले, और इसके अलावा बाकी सारे ये मैंने प्री वेडिंग में यूज़ करे थे और बाकी ऐसे भी हैं, और लास्ट में है ये एक शूज़। मैंने जो यहाँ पे रखे हैं ये मेरे टॉप और जीन्स ये सब, और ये मेरी प्री वेडिंग वाली ड्रेस है, एक ये है और इसके अंदर दो ब्लैक ड्रेस हैं। तो अब ये सब मेरे जब हम कभी घूमने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे काम आ जाएंगे। और इसमें भी कुछ टॉप है मेरे, इनको मैं उन टॉप के साथ रख लेती हूँ, और इनको भी मैंने अच्छे से रखना है। अगर बैग में जगह हो जाएगी तो बैग में ही रख लूँगी, नहीं तो फिर इसके लिए भी कुछ दूसरा बैग बनाना पड़ेगा। वैसे बैग में आ जाएंगे आराम से। अब रह गई है लास्ट और आखिरी और मेन चीज़, मतलब अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी अच्छी थी। ये है पिछौड़े मेरे, ये वाला हैवी वाला है और ये स्टॉल वाला पिछौड़ा है। पिछौड़ों का तो आपको पता होगा कि कुमाऊँ में जितनी भी ब्राइड्स होती हैं उनको पिछौड़ा पहनना ज़रूरी होता है, और ये लगता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक ये हैवी वाला है और एक ये मेरा स्टॉल वाला है। जैसे हैवी वाला तो शादी के लिए सही है, और स्टॉल वाला ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कभी हम मंदिर वगैरह या फिर घर में ही अगर कोई छोटी मोटी ऐसी पूजा है तो उस टाइम पे हम ये भी पहन सकते हैं, स्टॉल वाला पहनने के लिए सही रहता है। सामान तो मैंने आपको सारे दिखा ही दिए हैं, अब मैं स्टार्ट करती हूँ बैग में रखना। मम्मी इसमें टीका लगा के चले गई थी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ बैग में सामान रखना सारा। सबसे पहले मैं साड़ियाँ इस साइड रख रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे ऐसे करके जीपर नहीं है, और साड़ियाँ तो पूरी पैक है तो उसमें मैं अगर ऐसे भी लगा लूँगी तो वो सारा सामान इधर उधर गिरेगा नहीं, और जो मेरे छोटे मोटे आइटम्स होंगे वो मैं उस साइड रखूँगी। और मैं डॉक्यूमेंट की फाइल रखना तो मैं भूल ही गई, जिसके लिए मम्मी रोई थी, लगता है वो यही छूटने वाली है। तो अब इसको मैं रखना भूल गई थी, इसको मुझे सबसे नीचे रखना पड़ेगा, ये सारे नीचे ही आ जाएगी। अगर आप लोग सैंडल्स के लिए वैसे तो दूसरा ही बैग बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारी है और मुझे एक दो यूज़ भी करनी है, इसके अलावा बाकी सारे पैक करने, तो इनको तो मैं ऐसे इन बॉक्स में पैक करूँगी, उसके बाद इसका दूसरा बैग बनाऊँगी। ये सिर्फ मैं आपको पैक करके अभी दिखा रही हूँ, वैसे तो मुझे ये यूज़ करनी है, निकालनी ही पड़ेगी। इनको ऐसे सारे ही बॉक्स में मैंने बॉक्स सारे रखे हैं संभाल के, तो इन सबको ऐसे बॉक्स में पैक करके इसको दूसरे बैग में डालूंगी, और बैग का मेरा सारा आइटम हो गया। इसमें मैं ये नहीं डाल दूँगी, पिछौड़े बैग में नहीं आएंगे क्योंकि बैग तो मैं पैक कर दूँगी उस टाइम पे, ये खुलेगा नहीं, और पिछौड़े शादी के टाइम पे काम आते हैं तो शादी के टाइम पे उसको पहनना होगा, इसलिए ये बाहर रहेंगे मेरे।
इस कैरी बैग में सारे इनर वियर्स हैं, तो इसको मैंने इधर रख दिया। और ये समीर के पैड्स वगैरह हैं, तो ऐसे ही छोटे मोटे आइटम्स इनमें आ जाएंगे। वैसे इन दोनों को तो मैं उस वाले में रखूँगी। यहाँ पे नए नए कपड़े, ठीक है, यहाँ पे मैं सूट रख दूँगी और इनको वहाँ कर दूँगी अभी अरेंज। अभी मुझे दोबारा अरेंज करना पड़ेगा। और वो ब्राइडल पर्स तो नहीं रखूँगी बैग में, क्योंकि वो मैंने लेडीज़ फंक्शन के दिन यूज़ करना है, उसके बाद ही रखना पड़ेगा। और ये वाला इसको भी रखना पड़ेगा, तो इसको भी रख देते हैं ऐसे ऊपर से। तो हो गया है मेरा बैकपैक, तो मेरा ब्राइडल बैग तो हो गया है अच्छे से तैयार। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और किसी न किसी के काम ये ज़रूर आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।